दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। ट्राई के फैसले से सबसे ज़्यादा खुश हैं केबल ऑपरेटर्स और उसके पीछे है तीन बड़े कारण जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि ट्राई ने जो अमेंडमेंट्स रिलीज़ किए हैं 8 जुलाई 2024 को, वो चाहे टैरिफ को लेकर के हो, चाहे केबल टीवी ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के हो, सबसे ज़्यादा खुश केबल ऑपरेटर्स कुल तीन कारणों से हैं दोस्तों। और वो काफ़ी समय से इन तीनों के बारे में ट्राई से अपनी बात रख रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। कंसल्टेशन पेपर जब ट्राई ने रिलीज किया, उस पर जब इनपुट्स मांगे, तो उस पर भी केबल ऑपरेटर्स ने अपनी बात रखी और ट्राई ने उनको माना भी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अगले हिस्से में उन तीन बड़े कारणों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हैं हम इस वीडियो के अगले हिस्से में। तो तीन बड़े कारणों के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पेड चैनल्स अन्य डीटीएच केबल टीवी पर भी फ्री हो। जी हाँ दोस्तों, अन्य डीपीओस पर भी फ्री करने की बात ट्राई ने साफ साफ 8 जुलाई 2024 के आदेश में कहा है। और अगर ऐसा, जो भी पेड चैनल्स उपलब्ध हैं जिन ब्रॉडकास्टर्स के डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वहां से उनको चैनल्स को हटाने का भी आदेश है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर निकली केबल ऑपरेटर्स के लिए, क्योंकि डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर जो माइग्रेशन है वो काफ़ी तेज़ी से, वो चाहे केबल टीवी कस्टमर्स हों या फिर वो डीटीएच ऑपरेटर्स हों, माफ़ करिएगा डीटीएच कस्टमर्स हों, तो इनका माइग्रेशन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। डीडी फ्रीडिस प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और वो चाहे पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म हो या फिर केबल टीवी हो, यहाँ संख्या कम होती जा रही है। तो इस एक निर्णय से बल मिलेगा केबल ऑपरेटर्स को भी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कुछ चैनल्स तो ऐसे होंगे जो पेड होंगे और वो केबल टीवी पर भी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होंगे। एक कारण तो हो गया ये। दूसरा कारण है दोस्तों, चैनल्स बुके में केबल टीवी कस्टमर्स को डिस्काउंट देने की आज़ादी। जी हाँ दोस्तों, केबल टीवी कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स केबल टीवी के माध्यम से चैनल्स को देखते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जो अब केबल टीवी है वो अपने हिसाब से ब्रॉडकास्टर्स बुके के अलावा अपने बुके भी तैयार कर पाएंगे और उसमें 45% तक की डिस्काउंट वो दे सकते हैं। ऐसा भी ट्राई ने आदेश साफ साफ 8 जुलाई 2024 के अपने आदेश में बता दिया है। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा कारण है। इसकी भी मांग ब्रॉडकास्टर्स तो नहीं कर रहे थे, लेकिन केबल ऑपरेटर्स जरूर कर रहे थे। ब्रॉडकास्टर्स का बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं था। ब्रॉडकास्टर्स का ये कहना था कि हम जो बुके दे रहे हैं वो ठीक है और जो प्राइस डिस्काउंट का है वो ट्राई डिसाइड करे। तो ट्राई ने दोस्तों बुके बनाने पर भी छूट दी है केबल टीवी को, जो ऑपरेटर्स हैं, और जो चैनल प्राइसिंग है यानी बुके प्राइसिंग है, उस पर भी डिस्काउंट देने की छूट दी है। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्राई द्वारा एक फैसला लिया गया है। फैसला ट्राई तो डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म के हक में तो नहीं ले सकता दोस्तों। यहाँ पर उसने रिकमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को कि डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को भी अन्य पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म की तरह कर दिया जाए, जैसे कि अन्य पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर जो कस्टमर से हर महीने चैनल्स को देखने के लिए प्राइस देते हैं, डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को भी वैसा ही कर दिया जाए। यानी कि डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को नॉन एड्रेसेबल सिस्टम से लेकर के एड्रेसेबल सिस्टम कर दिया जाए। ऐसा दोस्तों करना ट्राई के पास तो अधिकार नहीं है। अधिकार किसके पास? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ट्राई से पूछा भी था और ट्राई ने बोला है कि बिल्कुल इसको अब ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो कंसल्टेशन पेपर है उस पर जो केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, वो चाहे डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, काफ़ी समय से ये मांग रही है कि डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को भी अब एड्रेसेबल सिस्टम कर देना चाहिए। क्योंकि जिस मकसद के साथ डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया था और बिल्कुल फ्री में चैनल्स वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा था, वो मकसद अब पूरा हो गया है। घर घर कह सकते हैं कि डीटीएच की पकड़ है, पहुँचे खास करके डीडी फ्रीडिश की, तो अब एक मिनिमल प्राइस सेट करके कम से कम डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल कर दिया है। तो ये कुल तीन बड़े कारण थे दोस्तों, जिसकी वजह से केबल ऑपरेटर्स अब है बड़े खुश।